नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर टीवी। मैं हूं आपके साथ अक्षय यादव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। किसान आंदोलन पर बोले सीएम खट्टर, रेप मर्डर और टकराव ने किसान शब्द को किया धूमिल। आम आदमी को झटका, अमूल दूध हुआ महंगा, कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। कोरोना वायरस से मौत पर मिलेगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश। 3 दिनों में चौथी बार मिलिट्री बेस के पास दिखे ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। दिल्ली में 43 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। कनाडा में लगातार 3रे दिन 49 डिग्री के पार पहुंचा पारा, वैंकूवर में लू से अब तक 134 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी का इंतजार, एचसी अवस्थी हुए रिटायर, सीएम योगी बोले सराहनीय रही भूमिका। गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच भिड़ंत, कई गाड़ियों के शीशे टूटे। पंजाब संकट सुलझाने में जुटी प्रियंका गांधी, पहले राहुल फिर सिद्धू और अब सोनिया गांधी से मिली। बीजेपी नेता की गाड़ियों में तोड़फोड़ से किसानों ने झाड़ा पल्ला, राकेश टिकैत बोले ये भाजपा की साजिश। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्र खबर टीवी।